नमस्कार मित्रों, मैं अभय गोयल और आप सभी का स्वागत है ग्रेजुअल्स के इस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी जो है वाईफाई एंड जो इंटरनेट से हर वक्त जो है जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप जो है वाईफाई और इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों जो है इसमें हमें सिक्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत होती है एंड जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो हैकिंग कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए जो है हमें अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है उसे अच्छे से अच्छा बना के रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हमें वाईफाई को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में, बहुत अच्छे से बनाने के चक्कर में, कई बार हम उन्हें भूल जाते हैं या हम उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो वाईफाई का पासवर्ड क्या था। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप बिना याद किए अपने वाईफाई के पासवर्ड को अपने मोबाइल या अपने फ्रेंड्स के मोबाइल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपके घर में कोई फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव आए हैं एंड वो चाहते हैं कि वो है आपका जो वाईफाई को यूज़ करें, एंड आप जब उनके मोबाइल में वाईफाई का पासवर्ड डालते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या है वो पासवर्ड क्या था। तो आप क्या करें कि हम एक ऐसे QR कोड बनाएंगे तो जिसे आप स्कैन करेंगे एंड स्कैन करते के साथ ही आप जो है वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। ये काफ़ी आसान है दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई हैकिंग की वीडियो देख रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, हमारे चैनल में आपको एक लीगल तरीके से वीडियो दी जाती है जो कि कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड एक अच्छी टेक्नोलॉजी के बेस पर होती है, जो आप सबकी लाइफ को ईजी बनाने में जो टेक्नोलॉजी के बारे में होती है। तो अगर आप कोई सोच रहे हैं कि आपको कुछ हैकिंग सीखने को मिलेगी तो आप किसी और वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस ग्रेजुअल्स के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के बॉक्स पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें आपको रोजाना कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स देते हैं और हिंदी लैंग्वेज में देते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती है, और एक पर डे आपको जो है इसी तरह की एक लेटेस्ट जो है वीडियो मिलती है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आप हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं एक रेड कलर का सब्सक्राइब बॉक्स होगा, आप इसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कॉर्नर में आप देखें एक सब्सक्राइब का आइकन है, आप इसे भी क्लिक करके यहाँ ओवर लाएंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों उसके लिए हमें जो है QR कोड बनाने की ज़रूरत है, एंड वो QR कोड कैसे बनाना है सबसे पहले हम वो सीखते हैं। इसके लिए जो हम वेबसाइट का यूज़ करते हैं उसका नाम है qifi.org। इसका जो लिंक है दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप बिना किसी तकलीफ के इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं एंड फ्री में अपने QR कोड बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ करना क्या है कि सबसे पहले जो है आपके जो वाईफाई का नेम है, माने जो हम अभी कनेक्ट करने वाले हैं वो इस जो वाईफाई से हम कनेक्ट करने वाले हैं जो गोयल नाम लिखा है, तो हमें सिंपली यहाँ जो है गोयल टाइप कर देते हैं। एंड जो है आपका वाईफाई का जो भी नाम रहेगा XYZ, आपको इसमें सेम टू सेम एटीच्यूड जो है डालना है। एंड जो है आपको इसके बाद जो इंक्रिप्शन आपने कौन सा यूज किया है, तो इंक्रिप्शन आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए जो है हम जो इंक्रिप्शन के इसमें यूज़ किए हैं वो WPA2 है, जो भी हाई सिक्योरिटी पे बेस्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है WPA2 आप सेट करें। एंड आपको जो WEP जो इंक्रिप्शन है आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पहले चेक कर लें कि आपका जो पासवर्ड है कौन से इंक्रिप्शन में लगा हुआ है। तो जो है WPA2 जो है हम इसमें जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड जो है की, तो की दोस्तों आपको जो वाईफाई का जो पासवर्ड था आप इसमें वो भी आपको डालना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो SSID में था, तो SSID में दोस्तों यहाँ एक हिडन का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो SSID माने जो आपका वाईफाई का जो नाम है, अगर आप कोई उसे ना दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ टिक मार्क कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे अनटिक कर देते हैं। और दोस्तों की में जो है हम यहाँ अपने जो वाईफाई का उसे पासवर्ड को डालते हैं। एंड जो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले की करके एक ऑप्शन होगा, यहाँ ये देख सकते हैं दोस्तों एक डिस्प्ले की का एक ऑप्शन है यहाँ आप, इसका मतलब ये अगर डिस्प्ले करते हैं तो आपको जो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो शो करेगा, एंड जो इसे ऑफ कर देते हैं जो वाईफाई का पासवर्ड है वो अनशो, मतलब जो हाइड हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसे जनरेट करना है। तो जैसे ही जनरेट करेंगे आपको एक इस तरह का जो QR कोड है वो मिल जाएगा, तो आप इसे सेव कर लें एंड जो है आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको जो इस तरह का है QR कोड मिल जाता है, तो आप इसे अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन यूज होती है। तो चलिए जो है हम अपने मोबाइल पे आ जाते हैं।
तो दोस्तों मोबाइल में सबसे पहले आपको जानना क्या है कि प्ले स्टोर में एक जो है हमें एक एप्लीकेशन की जो है ज़रूरत होती है, जो है जो कि क्यू आर कोड है। तो हमें क्या है कि यहाँ क्यू आर कोड स्कैनर है, उसे हम जो इंस्टॉल कर लें। तो आप इसमें कोई सा भी जो है क्यू आर कोड को जो इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हम जो फर्स्ट में जो क्यू आर कोड एस बारह कोड रीडर है, हम जो है इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। काफ़ी जो है पॉपुलर ऐप है, देख सकते हैं जो इस तरह से जो वर्क करता है। एंड जो हम इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो हम यहाँ सिंपली इसे ओपन पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा कैमरा वो ऑन हो चुका है। एंड जो दोस्तों हमें इसे करना क्या है कि जो हमने क्यूआर कोड को जहाँ सेलेक्ट किया था, उस क्यूआर कोड को हम जो है अभी स्कैन कर लेते हैं। तो हम जैसे ही हमने क्यूआर कोड को किया लाया, तो ये तुरंत ही उसे स्कैन कर लिया। अब देख सकते हैं दोस्तों जो इसमें है, जो हमने जो वाईफाई का जो नेम और जो पासवर्ड रखा था, वो इसमें आपको आसानी से दिख जाएगा। देख सकते हैं जो हमने यहाँ लिखा था गोयल और टाइप जो है WPA है। तो हम क्या करेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं कनेक्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ सिंपली कनेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये जो है आपके जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं जो दोस्तों जो मेरा वाईफाई है यहाँ कनेक्ट हो गया है। फिलहाल तो इसमें जो टावर है, मतलब जो सिग्नल है, वो काफ़ी कम है। तो जैसे कि हम अगर आप उसे दिखाएं, तो अगर हम सेटिंग में जाके वाईफाई ऑप्शन चेक करते हैं, तो देख सकते हैं जो गोयल था वो हमसे कनेक्ट हो चुका है। अगर आप एक बार मैं इसे और जो है इसे दोबारा करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अपनी फॉरगेट पासवर्ड को जो कर दिया। एंड जो मैं दोबारा क्या करता हूँ कि जो इस क्यूआर कोड को मैंने स्कैन दोबारा से एक बार कर लेता हूँ आपको और अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। जैसे मैं देखिए मैं क्यूआर कोड को तुरंत ही स्कैन कर लिया। एंड क्यूआर कोड को स्कैन करने के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ जो कनेक्ट पर दोबारा से क्लिक करते हैं। एंड जो आप देखेंगे दोस्तों ऊपर में ही दोबारा से आ गया, मतलब इसका मतलब जो है क्यूआर कोड जो है कि इस पहता से मैंने इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं डाला, चूँकि जो है। तो आप इसे क्या करें कि आप इसे जो है प्रिंट आउट इसका निकाल लें, है ना। तो प्रिंट आउट निकाल के आप किसी दीवार वगैरह में चिपका दें, एंड जिसे भी जो है आपके वाईफाई को यूज़ करना है वो सिंपली वहां जाए, एंड जो क्यूआर कोड को स्कैन कर ले। किसी भी तरह की आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, आपने पासवर्ड को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो है सिंपली जो है आप इसे बहुत अच्छी तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मित्रों मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल क्रेजुअल्स पर विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ रोजाना एक जो है हम टेक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी भाषा अपनी भाषा हिंदी लैंग्वेज में होती है और बिल्कुल फ्री होती है। तो आप प्लीज़ इस रेड कलर के बॉक्स पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जो है रोजाना एक वीडियो देते हैं। तो अगर आप दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए क्रेजुअल्स।